राम जी, तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं, तो आप भी अच्छे ही होंगे। तो मैं बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल। मेरे स्कूल के बच्चों का लगा हुआ है कैंप। मैं सुबह जाती हूँ स्कूल और उसके बाद आती हूँ 6 बजे, 7:30 से 6 बजे तक। तो मुझे बिल्कुल व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। लेकिन आज मैं घर में आई तो मेरे पोते का दांत टूटा हुआ था, एक दांत मीन्स दूध का दांत। तो बच्चा इतना एक्साइटेड था और मुझे बता रहा था, तो मैंने फ़ोन में वही छोटा सा एक शॉट लिया है आज के व्लॉग का। तो आप सब देखना कि बच्चे कितने हैप्पी होते हैं और क्या क्या सपने होते हैं। भाई हमारे क्या सपने होते थे? हम जैसे अपने दांत को पहले उपले बनाते, गोबर होता था उसमें लपेट के छत पे फेंक देते थे। कोई आटा आटा होता था उसमें उसको लपेट के फिर छत पे फेंक देते थे कि आसमान में तारा आएगा और ले जाएगा और हम तारे। लेकिन वही बात आजकल बच्चे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और आपको आपका बचपन ज़रूर याद आएगा। कि और याद करना भी कि हमारे दांत टूटे थे तो हमें भी कैसा महसूस हुआ। और सारे अपने विचार ना कमेंट्स में लिखना कि हाँ सच में इस व्लॉग में हमें अपने बचपन की याद आई, और मैं आपके बचपन को ही इस व्लॉग में डालना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सारे इस व्लॉग को लास्ट तक देखना कि कितने प्यार से ये बातें करते हैं। तो देखना दोनों भाइयों की चर्चा और किस तरीके से गुरुदीप ने एंजॉय किया। ये देखो भाई, गुरुदीप का टी टूट गया है, ये देखो। आपको दिखेगा नहीं, जूम कर दीजिए माँ। जूम कर दूँ? जूम नहीं, वैसे ही दिख जाएगा। ये देखो इसका टीथ टूट गया है। और ये दूध वाला अब ये दांत कहानी है। सुनाएगा है? हाँ पर ये दूध वाला दांत है, अच्छा। और ये जो दांत होते हैं ना गाइस, है हाँ इसे रात को धोके सो जाते हैं। एक टूथ फेरी आती है, फिर इसे ले जाती है, हमें इसके बदले एक गिफ्ट दे जाती है। और ये जो हमारा दांत होता है ना, ये बना देती है सितारा। सितारा बना देगी। हाँ फिर आज मैं कल रात को सोते सोते इसे देखूंगा, पहले दो दो सितारे हो जाएंगे फिर हमारे घर। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है दांत टूटने से? कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी हो रही है? क्यों? दांत टूटने पर सबको अब आप यंग हो जाओगे, जवान हो जाओगे और आपके। गाइस सुनो, एक हमारे स्कूल में एक बच्ची है, उसका दांत स्कूल में ही टूट गया था। फिर वो लेके आई घर? हाँ। कहाँ रख के लाई? पॉकेट में। पॉकेट में रख लाई। आ और आपका दांत किसने तुड़वा दिया? किसने? नाम तो बताओ। हमारी ब्लॉगर। ओ माय गॉड। कौन है आपकी ब्लॉगर? कौन है आपकी ब्लॉगर? मेरी जो हमेशा फोन चलाती रहती है, माँ जी। माँ जी फोन चलाती रहती है हमेशा? अच्छा। और माँ जी ने आपके लिए क्या बनाया गुरुदीप? ये फ्राई। अच्छा। अब मैं जाऊंगा नोनी के घर। इनको लेके जाओगे? गाइस देखिए ये जो दांत है, एक बार इसको लगा के देखते हैं। ओए दांत कर दी। ओए क्या दांत है यार, क्या कर दिया इसमें? एक डॉट लगा दी। डॉट लगा दी। चलो ठीक है भाई, गुरुदीप का दांत टूट गया। हम जाते हैं नोनी के घर। अब ने आपका टीथ कहाँ है गुरु, मेरे को दिखाना। ओए कहाँ गया मेरा टीथ? टूथ फेरी ले गई। और आपको उसने बदले में क्या दिया? उसने मेरे को मिल्क वे चॉकलेट दी। ओ जब मैं छोटा था ना, तब मेरा भी एक टीथ टूट गया था, ये वाला। कौन सा? ये वाला ना, जो ये पार्ट होता है ना, ये मैंने जब वो टीथ अपना धो के अच्छे से अपने तकिए के नीचे रखा, पिल्लो के नीचे 500 रुपीज थे। और उसने मनी मेरे को इसलिए दिए थे क्योंकि उसके पास कोई चॉकलेट कुछ नहीं थी, और इसलिए उन्होंने
मैंने जो शीट पे देखा तो उन्होंने लिखा हुआ था आई लव यू और टीथ बना रखा था नीचे, और फिर वहाँ पे लिखा हुआ था आई डिडंट हैव एनी मनी सो आई केप्ट मनी फॉर यू और सॉरी चॉकलेट आई डिडंट हैव एनी चॉकलेट और कार सो आई केप्ट मनी फॉर यू। और मैं और बताऊँ क्या है, उसने ना चिट में लिखा था आई लव यू और उसने टीथ यू क्या लिखा था और मैं टीथ बना रखा था। पर वैसे गुरु ये जो टूथ फेरी होती है इतनी छोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कहाँ से ले आती है। और मैंने अपना टीथ एक बार वॉश बेसिन में यू करके ले लिया और फिर मैं छुआ फिर भी मिल गया। पर हमें अपना टीथ ध्यान से धोना चाहिए क्योंकि एक बच्चा था ना वो भी अपना टीथ धो रहा था, उसका गलती से ऐसे हो गया और उसका टीथ गिर गया और जो नीचे छोटा सा होल था उसमें चला गया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कुछ मिला नहीं, क्या मिलेगा जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं। दे देंगे कुछ भी टीथ के अलावा फिर कुछ देगी वो नहीं। अगर टीथ अगर आप क्रिसमस आ रहे हैं ना जैसे अगर आप चिट नहीं बनाओगे तो सेंटा कुछ नहीं देंगे। तो हमने हमारे बहुत सारे गप्पे और मेरी नानी के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर इमोजी भेजो और कमेंट करो, वो भी कमेंट में इमोजी भेजना। चलो बाय बाय। और मैं एक अभी प्रिपेयर सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो जी देखा आपने आज का व्लॉग, कितनी गप्पे मारते हैं दोनों भाई और छोटी कितना शोर कर रही है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई बताना कि आपने अपने बचपन को एंजॉय किया, अपने बचपन याद आया कि आप लोग भी किस तरीके से बात करते थे, क्या क्या कर बातें, क्या क्या खेलते थे, क्या क्या सोचते थे। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना और अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।